नमस्कार, मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम का अध्ययन करने से पहले दो शब्द कहना चाहूँगा। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारना, गिर के ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। आज BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड, वित्तीय प्रबंध में यूनिट संख्या सेकंड के में रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। रेशियो एनालिसिस में मैंने पूर्व के व्याख्यान में क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज के बारे में बताया था कि अनुपातों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें मैंने अनुपात क्या है उसके बारे में बताया था, अनुपात के कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताया था, अनुपात के बारे में बताया था कि अनुपात दो संख्याओं के मध्य आनुपातिक गणितीय संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात के वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को मैंने बताया, जिसमें चिट्ठे पर आधारित, जिसमें तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अनुपातों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने क्रियाशीलता अनुपात और लाभदायकता अनुपात से पहले तरलता अनुपात का भी ई व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन किया था। इसी क्रम में तरलता अनुपात में मैंने चालू अनुपात, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट रेशियो के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तरलता अनुपात में लिक्विडिटी रेशियो। मैं चालू अनुपात और क्विक रेशियो अर्थात करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में आज पुनः अध्ययन करेंगे, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो तरलता अनुपात में तीन प्रकार के अनुपात सम्मिलित हैं। प्रथम है चालू अनुपात, दूसरा है क्विक रेशियो त्वरित अनुपात, तीसरा एब्सोल्यूट रेशियो, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अनुपात अधिकतर आपके एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है, जो कि तरलता अनुपात से रिलेटिव होता है। तरलता अनुपात में लगभग चालू अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चालू अनुपात का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस प्रकार 20 नंबर मार्क्स में रेशियो एनालिसिस में प्रत्येक वर्ष एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें चार रेशियो आते हैं। चार रेशियो में एक रेशियो महत्वपूर्ण है, वो है चालू अनुपात। तरलता अनुपात के अंतर्गत ही इसका एक प्रकार है चालू अनुपात, इसे अपन कहते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो ज्ञात करने के लिए हम करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज़ का भाग देते हैं, अर्थात चालू संपत्तियां डिवाइड बाय चालू दायित्व। अर्थात इसे अपन ये भी कह सकते हैं करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि करंट असेट्स क्या होती हैं, चालू संपत्तियां क्या हैं। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो एक वर्ष के दौरान नगद में परिवर्तन हो जाए, वह चालू संपत्तियां कहलाती हैं। चालू संपत्तियों में मुख्यतया कैश, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल BR
डेटर्स और भी विभिन्न प्रकार के सम्मिलित हैं, जिसमें स्टॉक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये चालू संपत्तियों में सम्मिलित हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वे चालू संपत्तियां कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो एक वर्ष के दौरान नगद में परिवर्तन हो जाती हैं, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। आगे चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व वे दायित्व हैं जिनका भुगतान एक वर्ष के भीतर करना होता है, चालू दायित्व कहलाता है। चालू दायित्वों में मुख्यतया अपन शामिल करें जिसमें क्रेडिटर्स अपने चालू दायित्व हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स अपने चालू दायित्व है, बिल्स पेबल्स चालू दायित्व हैं, लोन शॉर्ट टर्म लोन चालू दायित्व हैं। तो चालू दायित्व वे दायित्व हैं जिनका भुगतान एक वर्ष के भीतर करना होता है, वो चालू दायित्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार चालू अनुपात बराबर करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको अच्छे से अध्ययन करवा दिया। दूसरा इसी क्रम में अनुपात आता है त्वरित अनुपात, जिसे अपन कहते हैं क्विक रेशियो। त्वरित अनुपात वे अनुपात हैं जो चालू संपत्तियों में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे या फिर को उसके बाद में लायबिलिटीज़ का भाग दे देंगे, वह क्विक रेशियो आता है। इसमें करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने के बाद में करंट लायबिलिटीज का भाग देते ही अपने पास क्विक रेशियो आ जाता है। इसका आदर्श अनुपात 1:1 होता है। चालू अनुपात में इसका आदर्श अनुपात 2:1 है। अर्थात चालू अनुपात में आदर्श अनुपात का कहने का मतलब यह होता है, फर्म या कंपनी या उद्योग उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसको आदर्श अनुपात भी कहते हैं। अर्थात चालू अनुपात या करंट रेशियो का आदर्श अनुपात 2:1 है, त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 है। तीसरा है एब्सोल्यूट रेशियो। एब्सोल्यूट रेशियो में इसका आदर्श अनुपात 1:5:1 कहलाता है। अधिकतर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चालू अनुपात और त्वरित अनुपात। आगे इसी क्रम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक काल्पनिक बैलेंस शीट के आधार पे या काल्पनिक आंकड़ों के आधार पे एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी लिमिटेड कंपनी एक्स वाई जेड, उसमें पहले तो छोटी सी एक अपन बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, उसके बाद में उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। मान सकते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, पहले तो उसके ले लेते हैं अपन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर मान लेते हैं 20,000, रिजर्व 20,000, करंट लायबिलिटीज 'ट्रेड पेबल्स' अर्थात बीपी बिल्स पेबल्स मान लेते हैं 50,000, शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म प्रोविजन अर्थात टैक्सेशन मान लेते हैं 10,000। लायबिलिटीज के अंतर्गत लेवें तो असेट्स, ये तो लायबिलिटीज आ गई अपनी, असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स 2,50,000। दूसरी ले लेते हैं करंट असेट्स 40,000। मान के चलते हैं 40,000। बिल्स रिसीवेबल 30,000। कैश 25,000। कैश एट बैंक 10,000। और अदर करंट असेट्स 5,000। इसमें अपने को ज्ञात करना है करंट असेट्स और क्यूट असेट्स की गणना करनी है। ये क्वेश्चन के अंतर्गत आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन कर लिया तो करंट रेशियो और क्यूक रेशियो से संबंधित सभी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अर्थात अपन कह सकते हैं करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स की हम गणना करें तो करंट असेट्स अपना हो गई, करंट असेट्स में नॉन करंट असेट्स तो अपन शामिल नहीं करते क्योंकि वे चालू संपत्तियां नहीं हैं। पहला है करंट असेट्स में, यही काउंटिंग करते जाएंगे अपन इसकी, स्टॉक 40,000 करंट असेट्स है, 40,000 BR करंट असेट्स है 30,000, प्लस कैश करंट असेट्स है 25,000, प्लस कैश एट बैंक है 10,000, प्लस अदर करंट असेट्स है 5,000। टोटल अपनी ये करंट असेट्स आ गई 70,25,10,5,110,000। अर्थात इस बैलेंस शीट के आधार पर इस कंपनी की स्थिति में करंट असेट्स हैं 1,10,000। आगे हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर एवं रिजर्व है, अपनी करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड टैक्स सम्मिलित हैं। अर्थात करंट असेट्स तो ये हैं, करंट लायबिलिटीज़ हो गई अपनी जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार BP एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 50,000 प्लस 10,000, 60,000 अपनी क्या होगी करंट लायबिलिटीज़। इस प्रकार 1,10,000 डिवाइड बाई 60,000 अपनी अनुपात आ गया इसमें 1.83%। अर्थात एक फर्म की स्थिति बहुत ही अच्छी एवं सुदृढ़ है, ये अपना करंट रेशियो होगा। दूसरी बात करें क्यूक रेशियो की। क्यूक रेशियो में मैंने जैसा कि बताया करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस सम्मिलित हैं। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल हैं डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, जिसमें
प्रीपेड एक्सपेंसेस बटे करंट लायबिलिटीज, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने के बाद में तो करंट एसेट्स अपनी आई 1,10,000। इसमें अपन घटा देंगे स्टॉक 40,000 और अदर करंट एसेट्स सम्मिलित हैं, अदर करंट एसेट्स में 5,000, टोटल हो गई 45,000, 45,000 डिवाइड बाय 60,000 तो ये आ जाएगी 65,000 डिवाइड बाय 60,000 बराबर 1.08%। इस प्रकार एक फर्म की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि क्विक रेशियो का आदर्श अनुपात 1:1 है। इसी क्रम में आगे हम इसी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनुपात विश्लेषण में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार।